हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस इट इज सिंपल में। दोस्तों आज का टॉपिक जरा हटके होने वाला है। आज हम देखेंगे ऑल अबाउट ओलंपियाड एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, आज कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं, आज हम इस ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ओलंपियाड एग्जाम्स की फुल बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसकी इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स एंड हाउ टू अप्लाई सच एग्जाम्स के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ इसके बेल आइकन की बटन भी दबा दो दोस्तों, जिसकी वजह से ऐसी कॉम्पिटिटिव वीडियोस और मैथमेटिकल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो इन द बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओलंपियाड्स आल्सो नोन एज ओलंपियाड एग्जाम्स, जो ओलंपियाड एग्जाम्स होती है, आर अ कलेक्शन ऑफ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम हेल्ड फॉर अ स्टूडेंट थ्रू क्लासेस 1 to 12। इट मीन्स दैट जो ओलंपियाड्स, मतलब जिन्हें ओलंपियाड एग्जाम्स कहते हैं, ये एक तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कंडक्ट करती है जो क्लासेस 1 से लेकर 12 के लिए होती है। ओके और केंद्रीय विद्यालय में जो ये इस तरह के ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, उस फाउंडेशन का नाम है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। वैसे दोस्तों इंडिया में बहुत सारी फाउंडेशन है जो ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इसी बेसिक इन्फॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता चलता है दोस्तों ओलंपियाड्स आर कंडक्टेड ऑन अ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओलंपियाड एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल का भी रिकॉग्निशन मिल सकता है। ओके, ये एग्जाम्स दोनों लेवल पे कंडक्ट होती है, नेशनल लेवल पे भी, और जो नेशनल में पास हो जाते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी की वजह से दोस्तों दिस वन इज एनकरेज स्टूडेंट्स फ्रॉम अ सिमिलर एकेडमिक लेवल टू पार्टिसिपेट। जी हाँ दोस्तों, ये जो ओलंपियाड एग्जाम है ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है आज की तारीख में जो सारे स्टूडेंट को एनकरेज करता है कि वो एक सेम एकेडमिक लेवल पे आकर कम्पीट कर सके, एक दूसरे के साथ आकर कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सके। इसके साथ ही दोस्तों ये जो ओलंपियाड एग्जाम होती है, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम टू क्रैक, राइट। और इसी की वजह से ये जो एग्जाम है ये टफ होने की वजह से इट हेल्प्स टू फॉर्म अ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चों के दिमाग में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में ये काफ़ी प्रैक्टिस कराता है दोस्तों। साथ ही साथ इट ऑल्सो अलाउ देम टू असेस देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट। ओके, ये जो ओलंपियाड एग्जाम्स के जो एग्जाम्स होते हैं, जो जनरल जो सिलेबस पढ़ाया जाता है स्कूल में, उससे थोड़ा सा टफ होता है। इसकी वजह से ये कॉम्पिटिटिव माइंड तो सेटअप करता ही है बच्चों का, साथ ही साथ दे अलाउ देम टू को सिखाते हैं कि किस तरह से वो अपना नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी जगह पर, अपनी लाइफ में किस जगह पर वो उसे यूज कर पाए। जी हाँ दोस्तों, ये इसी तरह का एग्जाम का पैटर्न सेट किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ये जो ओलंपियाड एग्जाम्स होती है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट के ओलंपियाड एग्जाम काफी सब्जेक्ट्स की होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट नॉलेज अलॉन्ग विद द एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। सो जो अलग अलग ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, जो फाउंडेशंस है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, उसमें सबसे ज्यादा फेमस जो फाउंडेशन है वो है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। केंद्रीय विद्यालय में दोस्तों यही फाउंडेशन ओलंपियाड एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। सो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन इज अ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट पोलराइज अ हेल्दी एकेडमिक कॉम्पिटिशन। ये जो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है ये नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टैब्लिश किया गया कुछ लीडिंग एकेडमिक्स, जी हाँ बड़े बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, जो लीडिंग एकेडमिक्स है, कुछ साइंटिस्ट और कुछ मीडिया पर्सनालिटीज के द्वारा इस साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन को ऑर्गेनाइज किया गया टू एंकरेज साइंस मैथमेटिक्स कंप्यूटर एजुकेशन लैंग्वेज जनरल नॉलेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। जी हाँ, जो आजकल के बच्चे, पूरे दुनिया के जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं, वो एक ही लेवल पे आकर, एक प्लेटफॉर्म पे आकर वो अपना साइंस मैथमेटिक्स कंप्यूटर एजुकेशन लैंग्वेज जनरल नॉलेज का जो उनके स्किल है वो स्किल को अडेप्ट कर सके, उसे सीख सके और दुनिया के साथ चल सके। ये सारा का सारा पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है दोस्तों ओलंपियाड एग्जाम्स के द्वारा। ओके दोस्तों, ये जो ओलंपियाड एग्जाम्स है, देयर आर द टोटल 7 ओलंपियाड एग्जाम्स।
ये जो ओलंपियड एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है साइंस ओलंपियड फाउंडेशन द्वारा, यहाँ पे टोटल 7 ओलंपियड एग्जाम्स होते हैं जो अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसका एक एक ओलंपियड एग्जाम का दोस्तों हम मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर आपको ओलंपियड एग्जाम दिख रहा है ये है इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियड। ये क्लासेस 1 से लेकर 10 तक के लिए कंडक्ट की जाती है। इसके बाद जो एग्जाम है दोस्तों, दिस वन इज द इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियड जो क्लासेस 1 से लेके 12 तक के लिए बच्चों के लिए कंडक्ट किया जाता है। ये सारे लेवल पे कंडक्ट होता है दोस्तों, क्लास लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, राइट। इसके बाद आता है नेशनल साइंस ओलंपियड जो क्लासेस 1 से लेकर 12 तक के लिए अरेंज होता है। और इसके बाद सबसे फेमस जो ओलंपियड एग्जाम है वो है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड जो क्लासेस 1 से लेकर 12 तक के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों नेशनल साइबर क्राइम या नेशनल साइबर ओलंपियड जो क्लासेस 1 से लेकर 10 तक के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है दोस्तों। ओके, इसके बाद नंबर आता है दोस्तों इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियड जो क्लासेस 3 ऑनवर्ड्स टू अप टू द 10 के लिए अरेंज किया जाता है। लास्ट वन इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियड जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो क्लासेस सिर्फ 11th और 12th के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट दोस्तों। और ये जो सारी जितनी भी ओलंपियड एग्जाम होती है दोस्तों, इस हर एक ओलंपियड एग्जाम में दोस्तों अगर आपको अपने बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है तो फीस है ओनली 150 रुपीज ऑल ओवर इंडिया दोस्तों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन को। ये जो जितने भी हमने डिफरेंट टाइप्स की जो 7 टाइप्स के ओलंपियड एग्जाम देखे उसमें हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, राइट। सो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड जो होती है दोस्तों, इसका पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होता है ये देख लेते हैं कि आखिर जो कोई भी मैथमेटिक्स की या कोई भी जो ओलंपियड की एग्जाम्स होती है उसका पैटर्न क्या होता है, आखिर हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो देखिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट नजर आएगा जहाँ पे लिखा है डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर क्लासेस 1-4। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन, ऐसे 4 टोटल पार्ट्स होते हैं जहाँ पर इच पार्ट इज हैविंग अ 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स एंड टोटल 40 मार्क्स इज ओवर देयर, राइट। साथ ही साथ इसके बाद क्लासेस 5-12 के लिए जो ओलंपियड एग्जाम, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसका जो पैटर्न है वहाँ पर भी सेम लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शंस होता है। और यहाँ पर बस जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो बढ़ जाते हैं, 40 की जगह भी 60 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों। ओके, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड की तरह दोस्तों बाकी की जो ओलंपियड्स है उनका भी कुछ ऐसा ही पैटर्न होता है जो हम अपने आने वाली फ्यूचर्स की वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद देख लेते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेट इन सच टाइप ऑफ ओलंपियड एग्जाम। सो सबसे पहले जो बेनिफिट जो मुझे दिखता है वो है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, गेटिंग द कंसेप्ट राइट, हमारा जो स्टूडेंट है जो ओलंपियड एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है उसका सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो है गेटिंग द कंसेप्ट राइट, वो पूरी तरह से कंसेप्ट को समझ पाता है, बिल्ट ऑफ अ बेसिक नॉलेज, उसका बेसिक नॉलेज बिल्ट होता है। साथ ही साथ इट प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ अ क्वेश्चन, वो बहुत सारे क्वेश्चन की दोस्तों प्रैक्टिस करता है एक ही सब्जेक्ट की, चाहे वो इंग्लिश का ओलंपियड हो, मैथमेटिक्स का ओलंपियड हो, साइंस का ओलंपियड हो, सोशल साइंस का ओलंपियड हो, वो बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता है जिसकी वजह से उसके एक्सेलेंस आता है उस टॉपिक में, वो एक्सेलेंट हो जाता है उस टॉपिक में। एंड दिस वन इज द सेकंड बेनिफिट, इट प्रिपेयर्स फॉर अदर्स कॉम्पिटिशन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है आजकल का पूरा वर्ल्ड कॉम्पिटिशन का वर्ल्ड है। ओके, गेटिंग रेडी फॉर द फ्यूचर, आगे आने वाले फ्यूचर में जो उसको कॉम्पिटिशन देना है, जो कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स देने हैं उसके बारे में उसके अभी से वो तैयारी करने लगता है दोस्तों, ठीक है। बच्चे अभी से क्लास 1 से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता है ओलंपियड एग्जाम क्लास 1 से ही स्टार्ट होते हैं। सो क्लास 1 से ही वो प्रिपेयर होता है कंपटीशन के लिए। इट क्रिएट्स अ गुड वर्किंग नॉलेज, जो स्टूडेंट होता है जो ओलंपियड एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो उनमें एक गुड वर्किंग नॉलेज की हैबिट उनमें डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ इट गिव्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्रैक्टिसेस। जी हाँ, जैसे कि हमें पता है ये जो ओलंपियड एग्जाम होते हैं ये क्लास लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सो इट गिव्स lots of practice according to that level. So this one is the one of the important point and one of the benefit to participate in the Olympic exam. So, benefit point ko dekh lete hai. Next benefit point hai boost self confidence. Ji haan dosto, जब कोई स्टूडेंट ऐसी ओलंपियड एग्जाम में बैठता है, एग्जाम देता है, रिजल्ट लाता है, इट मोटिवेट स्टूडेंट टू परफॉर्म बेटर एट ईच टाइम। उसे बहुत ही अच्छा लगता है जब उसके कंसेप्ट क्लियर होता है तो इस उसमें अलग ही एक अलग ही लेवल का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है जो उसे हमेशा मोटिवेट करता है टू परफॉर्म अ बेटर एट ईच टाइम। इसी वजह से दोस्तों ये जो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जिसके वजह से वो स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं टू परफॉर्म बेटर ईच टाइम, इट गिव्स अ पावर
स्टूडेंट्स को एक अलग ही तरह का पावर मिलता है, एक अलग ही तरह की उनको क्लैरिटी मिलती है कि जो भी चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, चाहे वो लाइफ के चैलेंजेस हो या पढ़ाई के चैलेंजेस हो, उन्हें वो एक बेस्ट पॉसिबल वे से टैकल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। राइट, आई थिंक दोस्तों दिस वन इज द मोस्ट बेनिफिशियल बेनिफिट टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक एग्जाम। दोस्तों कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिलता है। अगर आप क्लास में कोई भी क्लास लेवल के ओलंपिक एग्जाम दे रहे हो, फिर उसके बाद आप अगर उसमें अच्छे खासे नंबर लाते हो तो आप स्टेट लेवल पर जाके खुद को रिप्रेजेंट करोगे, खुद के स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद आप नेशनल लेवल पर जाके अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो इट गिव्स अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल रिकॉग्निशन। साथ ही साथ दोस्तों लॉट्स ऑफ कैश प्राइजेस, बहुत सारे कैश प्राइजेस मिलते हैं। अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, चाहे स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो बहुत सारे कैश प्राइजेस है दोस्तों जो आपको मिलते हैं। सर्टिफिकेट्स मिलती है, मेडल्स मिलते हैं अगर आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अगर रैंक आता है दोस्तों। टू फेलिसिटेट द टैलेंट्स, दिस ओलंपियड एग्जाम्स गिव्स लॉट्स ऑफ द थिंग्स। राइट, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई इन सच एग्जाम्स। ये जो वंडरफुल एग्जाम्स है, इनमें आखिर किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट कंसेंट फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, ये जो साइंस ओलंपियड फाउंडेशन द्वारा केंद्रीय विद्यालय में जो ओलंपियड एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, जो एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, और ऐसे एग्जाम्स में हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाए जिसकी वजह से उन्हें भी बेस्ट रिकॉग्निशन मिले, इसके लिए दोस्तों एक स्टूडेंट कंसेंट फॉर्म देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। ये फॉर्म आप अपने स्कूल से मांग सकते हैं। आप के बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जिस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, उस केंद्रीय विद्यालय में ऑलरेडी दोस्तों ऐसे ओलंपियड एग्जाम के द्वारा फॉर्म्स आ जाते हैं। तो बस आपको ये स्टूडेंट्स कंसर्न फॉर्म लेना है, फिल करना है। यहाँ पर देखिए टोटल पूरे के पूरे टोटल 7 ओलंपियड एग्जाम्स है। जिस ओलंपियड एग्जाम्स में आपका इंटरेस्ट है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, या आपको पता है कि आपका बच्चा इसमें बहुत अच्छा करता है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और ज़्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए आप उस पर टिक कर सकते हैं। और बस आपको फिल करके अपने पेरेंट का साइन और स्टूडेंट का साइन करके आपको फीस के साथ स्कूल को वापस लौटा देना है, और बस आप एग्जाम में एनरोल हो जाए। तो ये जो कंसर्न फॉर्म है, जब आप इस पे एग्जाम पे टिक करोगे तो इसके बैक साइड पे भी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपने जो ओलंपियड का जो सब्जेक्ट चूज किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, सो अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ वर्कबुक चाहिए, कुछ गाइड चाहिए, या कुछ बुक्स चाहिए, या कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो, तो वो आप वो पर्टिकुलर यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आपको वो भी प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर www.sofworld.org टाइप कीजिए, आपको साइंस ओलंपियड फाउंडेशन के बारे में फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होते हैं, इनका रिजल्ट किस तरह से आता है, क्या क्या रिकॉग्निशन मिलती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड, जी हाँ, जबकि हम ओलंपियड्स की जब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम आने वाली वीडियो में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड इस एग्जाम के बारे में, इसका सिलेबस के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड में, एंड हाउ टू स्टडी इट, इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। सो इसके लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।